नमस्कार वीक्षक प्रतिध्वनि स्वागत ना लिखित रे मणिपुर गलभे आरंभ आगे तिंगल कलता बरतार हंतली मणिपुर गलभे ऐन गलभे विचार के संबंध पटे केंद्र सरकार सद्यद मटिगे मौन मुरीत प्रधान कड़े बारी मूव सेकेंडना बिट्रे बेरे यहा विचार इले अस्ट दुड मटिगे चर्चे आगे विपक्ष राजकीय अस्त्रवानी बड़सकोद जो अरे मणिपुर शांति कूड़ा निल्सो अवंत उद्देश्य होराटवी अंतर संबंध पट्टे इंडिया मैत्रीकूट परवा एसीसी अध्यक्षर मल्लिकार्जुन खर्गे राष्ट्रपति भेटी के अवकाशव कोरी पत्र बरत अदे संबंध पट्टे राष्ट्रपति भेटिया भेटिया नंतर मल्लिकार्जुन खर्गे ऐन मतदा तोर्ती नो आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहां एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आँखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज़्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, तो और 60,000 लोग स्थापित वो रिहैबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं, तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस नो बाद में की, तो लोकसभा में एडजमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी, ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजमेंट मोशन देख देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रख कर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9
दो दिन इसका बहस चले, फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस अर्जन हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीज़ों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चलेंगे, चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे, ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, दो मिनट में मेरा माइक बंद, दो मिनट नहीं, दो सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताएं, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर हजारों वेपन्स आ रहे हैं, सोफेस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैथी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए अब तक वहाँ नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या अडजमेंट मोशन ये हमेशा पहले देते गए हैं हमारे पास। मैं पढ़ के बता सकता हूँ लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूँगा। 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन अडजमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, ये एक। दूसरी चीज़, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आँखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, वहाँ पर इतनी गड़बड़ी चल रहे, लोगों को जाके मार रहे हैं, ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नज़दीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीज़ों को वहाँ पर बताएं, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डेज से हम उठा रहे हैं वो भी है। तो इतना सारी चीज़ें हम बताएं, बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शासन को सुना। मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाए या बात करे, वहाँ का सिचुएशन क्या है, और वहाँ पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए, और वहाँ के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए वो देना चाहिए। एक सवाल है, क्या था? एक सवाल है, क्या आप कह रहे हैं कि सरकार को
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೇನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನೀಡಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಡೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಣಿಪುರದ ಗಲಭೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋದು ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಇದು ಜನರದನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ